हेलो चिक हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खान कोचिंग क्लासेस। माई सेल्फ आफ्ताब आलम। दोस्तों आज हम लोग एक लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम है टू द प्यूपल्स, शिष्यों के प्रति, और जिसे लिखे हैं हेनरी विवियन लुइस डेरोजियो। इनका पूरा नाम है हेनरी विवियन लुइस डेरोजियो, और इसी लेसन को स्टडी आज हमें करना है दोस्तों। तो यह लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं चाहूँगा कि यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन के बटन को दबा लीजिए, ताकि आगे से आपको सारे वीडियो जो हैं प्रोवाइड होते रहें। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी कर लीजिएगा, और दोस्तों यह वीडियो लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको आगे से इसके क्वेश्चन आंसर में कोई समस्या नहीं आए। तो चलिए दोस्तों समय नहीं गवाएंगे, सीधा सीधा टॉपिक पे आते हैं और समझते हैं कि इस लेसन में क्या कहा गया है। दोस्तों टू द प्यूपल्स का मतलब होता है शिष्यों के प्रति, और इसे लिखा कौन है, हेनरी एल डेरोजियो। और हेनरी एल डेरोजियो बताते क्या हैं, वो कहते हैं कि किस तरीके से वह अपने शिष्यों को देखते हैं। वो कहते हैं एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स आई वॉज द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स एंड द स्वीट लूजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड्स योर इंटेलेक्चुअल इनर्जीज एंड पावर्स दैट स्ट्रेच लाइक यंग बर्ड्स इन सॉफ्ट समर आवर्स देयर विंग्स टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ। देखिए कहते हैं एक्सपेंडिंग लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर। यह शिष्यों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे जो मस्तिष्क हैं उनको विकसित होते हुए देखता हूँ, किसकी तरह, लाइक द पेटल्स ऑफ यंग फ्लावर्स, एक नौजवान पुष्प की पंखुड़ियों की तरह मैं तुम्हारे जो है दिमाग को विकसित होते हुए देखता हूँ। कहते हैं शिष्यों से, चूंकि ये लेसन है शिष्यों के प्रति, तो बस कुछ शिष्यों से कहते हैं कि मैं तुम्हारे मस्तिष्क को एक नौजवान पुष्प की पंखुड़ियों की तरह विकसित होते हुए देखता हूँ। फिर वो आगे कहते हैं आई वॉच द जेंटल ओपनिंग ऑफ योर माइंड्स, मैं तुम्हारे मस्तिष्क को जेंटल तरीके से खुलते हुए देखता हूँ। जैसे कोई बच्चा होता है ना दोस्तों, आप जानते हैं कोई भी बच्चा स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा नहीं सीख जाता, वो बच्चा धीरे धीरे चीज़ों को सीखता है। तो इसमें हेनरी एल डेरोजियो जी बताते हैं कि मैं एक बच्चे को, एक विद्यार्थी के जो मस्तिष्क होते हैं उसके मस्तिष्क को एक नौजवान फूल की पंखुड़ियों की तरह मैं देखता हूँ, कि जिस तरीके से एक फूल की पंखुड़ियाँ जो हैं धीरे धीरे विकसित होती हैं, ठीक उसी तरीके से एक बच्चे का दिमाग भी धीरे धीरे विकसित होता है। और वो कहते हैं कि मैं बच्चों का जो दिमाग है उनके दिमाग को विनम्र तरीके से खुलते हुए देखता हूँ, जिस तरीके से एक फूल विनम्र तरीके से खुलता है। और कहते हैं एंड द स्वीट लोजनिंग ऑफ द स्पेल दैट बाइंड, और वह जो मधुर जादू जो है योर इंटेलेक्चुअल, जो तुम्हारी बौद्धिक इनर्जीज एंड पावर, जो तुम्हारी बौद्धिक क्षमताओं अर्थात शक्तियों को बांधे रखी है, उस मधुर तुम्हारे जो जादू है, वह जो जादू तुम्हें बांधे रखी है, मैं उस चीज़ को देखता हूँ। अर्थात ये कहते हैं कि तुम्हारी बौद्धिक शक्तियों को, जो तुम्हारी इनर्जी को बांधे रखती है, मैं उसे देखता हूँ कि वह खुल रही हैं, दैट स्ट्रीज वह ऐसी खुलती हैं, वह ऐसी फैलती हैं, जैसे लाइक यंग बर्ड, जैसे एक यंग पक्षी इन सॉफ्ट समर आवर्स, गर्मी के दिनों में अपने पंखों को फैलाता है। वो कहते हैं कि जिस तरीके से गर्मी के दिनों में एक पक्षी अपने पंखों को फैलाता है, उसी तरीके से इन बच्चों का दिमाग भी धीरे धीरे, इनकी जो बौद्धिक क्षमताएँ हैं, जो बौद्धिक शक्तियाँ हैं, वह धीरे धीरे इनकी शक्तियों का विकास होता है। और वो जो गर्मी के दिनों में जो पक्षी पंख फैलाते हैं, देयर विंग्स, उनके जो पंख होते हैं, टू ट्राई देयर स्ट्रेंथ, वे उनकी शक्ति का प्रदर्शन करते हैं। जो जिस तरीके से एक गर्मी के दिन में एक पक्षी अपने पंखों को फैला करके अपनी शक्ति का प्रदर्शन करती हैं, ठीक उसी प्रकार से ये जो बच्चे होते हैं, ये बच्चे एक नौजवान पुष्प की पंखुड़ियों की तरह इनका दिमाग विकसित होता है, और इनका मस्तिष्क धीरे धीरे ओपन होता है, और इनकी बौद्धिक जो शक्तियां हैं, जो बौद्धिक इनकी ताकतें हैं, और जो बौद्धिक शक्तियां हैं, उन बौद्धिक शक्तियों को, उन बौद्धिक क्षमताओं को एक जादू जो है इन्हें बांधे रखता है। ठीक है दोस्तों, आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा, आगे से कोई समस्या नहीं आएगी। इसका पार्ट टू आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।